हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस आज फाइव मिनट सीरीज़ में हम बात करेंगे एडूर्टेनमेंट की इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज़ हैं फॉर यूजीसी नेट 2022 पेपर वन के सारे कोर्सेज़ यहां पर मेंशनड हैं पेपर टू के कोर्सेज़ जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं और पेपर वन और टू के कुछ कंबाइंड कोर्सेज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं हेलो एट एवर स्टडी डॉट इन पर सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ड एडोटेनमेंट का मीनिंग क्या है एड्यूटेनमेंट मॉडर्न डे कल्चर का एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो फ़न और इंटरक्टिव मैनर में डिफरेंट टाइप्स के मीडिया को यूज़ करके लोगों को एजुकेट कर रहा है एड्यूटेनमेंट दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है और ये दो वर्ड्स हैं एजुकेशन और एंटरटेनमेंट यहाँ पर हमारा गोल ये है कि हम लर्निंग के प्रोसेस को इन्जॉयबल और एक्साइटिंग बना पाएं जब लर्निंग का प्रोसेस एंटरटेनिंग होगा तब बच्चे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और वो ईज़िली नई चीज़ें सीख पाएंगे टर्म एडेनमेंट को वॉल्ट डिज़नी कंपनी ने ईयर फोर्टी एट में अपनी ट्रू लाइफ एडवेंचर सीरीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कॉइन किया था आज के टाइम में हाई स्पीड इंटरनेट स्मार्टफोन्स और एनिमेशंस जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एजुकेशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स कई ज़्यादा एक्सपैंड हो गए हैं ये प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरह के कंटेंट की हेल्प से लर्निंग और फन एलिमेंट्स को रियल टाइम में कंबाइन करके एजुकेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा एफ़िशेंट बना रहे हैं डिस्कस करते हैं कि कैसे एडोर्टेनमेंट लर्निंग और प्लेइंग के बीच के गैप को ब्रिज करता है थ्रू एंगेजिंग कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रेन एडर्टेनमेंट की हेल्प से लर्निंग और भी ज्यादा सिंपल बन गई है इंगेजिंग ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट को इफेक्टिवली यूज़ करके एडुटेनमेंट फैक्चुअल नॉलेज और प्लेफुल एनिमेशन को एक साथ लाता है जिससे लर्निंग प्रोसेस आसान और इंटरेस्टिंग बन जाता है इससे हम इजीली यंग ऑडियंस की अटेंशन को कैप्चर कर सकते हैं और उनमें लर्निंग का पैशन भी इजीली इनकल्केट किया जा सकता है एडुटेनमेंट की हेल्प से लर्निंग प्रोसेस एक फन एक्टिविटी बन गई है एटरटेनमेंट कल्चर एक एंगेजिंग और फन प्रोसेस ऑफर करता है जो क्लासरूम के बोरिंग रूटीन और बुकिश लर्निंग के कंपैरिजन में नॉलेज गेन करने का एक बेटर ऑप्शन है नेक्स्ट इज ब्राइटर माइंड्स एटरटेनमेंट कल्चर में लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल और प्लेजेंट मैनर में एनिमेटेड कैरेक्टर्स के थ्रू बच्चों के सामने लाया जाता है इससे बच्चे उन कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं जिससे उन्हें नए कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आते हैं और आगे की नॉलेज गेन करने में भी उनका इंटरेस्ट बना रहता है नेक्स्ट इज लर्निंग एट ओन पेस ट्रेडिशनल मेथड में लर्निंग प्रोसेस एक रिजिड फ्रेमवर्क को फॉलो करता था जिससे बच्चों की नेचुरल क्रिएटिविटी और लर्निंग पोटेंशियल हैम्पर होते थे लेकिन एड्यूटेनमेंट में बच्चे अपने बेस पर सीख सकते हैं इससे बच्चों में अर्ली स्टेज से ही साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट डेवलप होती है नाउ अस अंडरस्टैंड एडुटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल लर्निंग थियोरी किसी भी चीज़ को सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप उसे फ़न और एंटरटेनिंग तरीके से समझें और उस पर काम करें ऐसे में लर्निंग डेफिनेटली ज़्यादा एफिशिएंट होती है हमें ऐसा लगता है कि जो ये एडूर्टेनमेंट की अप्रोच है ये सिर्फ चाइल्ड ऑडियंस के लिए ही है लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो नेचुरली ही हर चीज़ को लेकर क्यूरियस होते हैं और उनके लिए हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कम्पेरिटिवली एग्जॉस्ट एडल्ट ज़्यादा ओपन नहीं होते नई चीज़ें सीखने को लेकर और एंडरटेनमेंट अप्रोच उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है रिक्रिएशनल लर्निंग एक्सपीरियंस में एक पर्सन खुद ही प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है जिसमें फ़न और लर्निंग दोनों ही एलिमेंट्स इन्वाल्ड होते हैं यहाँ पर हम सीखते इसीलिए हैं क्योंकि हम सीखना चाहते हैं और ये लर्निंग प्रोसेस और डिस्कवरी हमें प्लेजर देता है कुछ और भी कम्युनिकेशन थ्योरीज हैं जो एडुटेनमेंट और रिक्रिएशनल लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं तो आइए इन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सब एक दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके एक दूसरे के एक्शन से नई चीज़ें सीखते हैं हम अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं उनके एक्शंस को रिपीट करते हैं और इसी तरीके से हम नए बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं नेक्स्ट है पर्सुएशन थ्योरी पर्सुएशन थ्योरी में हम उन साइकोलॉजिकल कैरेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक मैसेज के लिए पर्सन के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती हैं नेक्स्ट है डिफ्यूजन थ्योरी डिफ्यूजन थ्योरी सोशल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है जो एक कम्युनिटी या ग्रुप के थ्रू स्प्रेड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीवी या न्यूज़पेपर्स की हेल्प से एक आइडिया को प्लांट किया जा सकता है लेकिन सोशल नेटवर्क्स ही उसको री करते हैं नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रीजेंड एक्शन थियरी ऑफ रीजेंड एक्शन सोशल इन्फ्लुएंसेस के अफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कि बिलीव्स बिहेवियर और परसिव्ड सोशल नॉर्म्स का ग्रुप पर क्या इन्फ्लुएंस होगा सो दैट वॉज ऑल अबाउट एडियोटेनमेंट आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेस्चन आप इसे अटम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe, and share. In case you have any query, you can contact us on the details mentioned on your screen. Thank you.